पीएसजी ने ब्रेस्ट को 2-0 से हराकर शीर्ष पर 11 अंकों की बढ़त कायम की। खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पेरिस सेंट जर्मेन ने खराब शुरुआत से उबरते हुए लीग एक में 11 अंकों की बढ़त हासिल कर ली, क्योंकि शनिवार को कियान मबाप्पे और थिलो केहर के गोल ने उन्हें सटेड ब्रेस्टोइस के खिलाफ 2-0 से घरेलू जीत दिलाई। एमबीपे और केहर ने इंटरवल के दोनों ओर नेट के पीछे पाया और दूसरे स्थान पर रहने वाले नाइस को 2-1 से हराने के एक दिन बाद 21 गेम से पूंजी पक्ष को 50 अंक पर रखा। परिणाम ने ब्रेस्ट को 25 अंकों के साथ 13वें स्थान पर छोड़ दिया। खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पार्क दे प्रिंसेस में पीएसजी लियोनेल मेसी को याद कर रहा था, जो अभी भी एक कोविड-19 संक्रमण से उबर रहा है, और उसे गोलकीपर कीलन नवास की अंतिम मिनट की अनुपस्थिति का सामना करना पड़ा, जिसने उपन्यास कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। पीएसजी ने ब्रेस्ट के खिलाफ अपने पिछले 8 लीग गेम जीते थे, लेकिन दर्शकों ने अच्छी शुरुआत की और इरविन कार्डोना को जल्दी ही नकारने के लिए जियानलुइगी डोनारुमा से एक बड़ी बचत की। 1985 के बाद से पीएसजी के खिलाफ अपनी पहली शीर्ष उड़ान जीत की तलाश में ब्रेस्ट ने शुरुआती 20 मिनट में लक्ष्य पर 3 शॉट लगाए। हालांकि एमबीपे ने 32वें सत्र में अपने 10वें लीग एक गोल के लिए 16 मीटर से क्लिनिकल लो शॉट के साथ गतिरोध को तोड़ा, क्योंकि पीएसजी ने दबाव बढ़ा दिया था। खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मार्को वेराटी दूसरे हाफ में 3 मिनट में बढ़त को दोगुना करने के करीब आए, लेकिन उनका एंगल शॉट पोस्ट पर लग गया। पीएसजी के जर्मनी के डिफेंडर केहर ने 53वें मिनट में नूनो मेंडेस के कटबैक से गोल दागकर अंततः 2-0 की बढ़त बना ली। केहर और मबाप्पे, जिन्हें पहले हाफ में ह्यूगो मैग्नेटी के साथ हाथापाई के लिए बुक किया गया था, के पास अन्य मौके थे, लेकिन मॉरिसियो पोचेटिनो की टीम ने पहले ही एक नियमित जीत हासिल कर ली थी। खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।